All right, good evening everybody once again, and welcome to the next class of this chapter. और हम जो डिस्कस कर रहे हैं आजकल क्लासेस में वो ये है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज आ जाए, दिस मूविंग चार्ज कुड बी एन अल्फा पार्टिकल, कुड बी अ बीटा पार्टिकल, कुड बी एन इलेक्ट्रॉन, कुड बी अ पॉजिट्रॉन, कुड बी अ हीलियम न्यूक्लियस, कुड बी एनीथिंग बट अ मूविंग चार्ज. So if a moving charge enters into a magnetic field, what will happen to this moving charge? Aur humne kal ki class mein dekha that this moving charge will experience a force which will be equal to Q times V cross B. Hai na? This is the value of the force experienced by this moving charge. Now, इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी. डायरेक्शन विल बी गिवन बाय, यू कैन यूज स्क्रू रूल फॉर डायरेक्शन, या फिर तुम यूज कर सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. हम मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उसमें क्यू का जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव उसको भी अकाउंट फॉर कर लिया जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में. So this is Fleming's left hand rule. ठीक है जी, ये किया हमने कल की क्लास में. तो आज हम क्या करेंगे, हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग एंगल्स पे किसी चार्ज को लेके आएंगे. कल हमने एक एग्जाम्पल देखी थी कि सीधी सीधी एक वायर जा रही थी, उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड था विच वॉज इन टू द पेपर, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने देखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल नीचे से आएगा उस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, उसकी डायरेक्शन भी हमें निकाली थी. आज हम क्या करेंगे, उस चार्ज्ड पार्टिकल को अलग अलग एंगल्स पे लेके आएंगे, और अलग अलग एंगल्स पे लाने के बाद वी विल सी व्हाट इज द मोशन ऑफ दैट चार्ज्ड पार्टिकल एट डिफरेंट एंगल्स, हाउ विल अ चार्ज पार्टिकल मूव. सो आज की जो हमारी क्लास है उसकी हेडिंग है मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. So this is motion of a charged particle under the influence of a magnetic field. एक magnetic field के अंदर एक charge particle किस तरीके से move करेगा, उसका path क्या होगा, trajectory क्या होगी, in the other words, yes. So, इसके लिए हम अलग अलग एंगल्स पे फायर करेंगे चार्ज्ड पार्टिकल को, और हम चेक करेंगे कि उसका मोशन क्या होने वाला है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं. लेट्स से यहां पे क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं इन टू द पेपर, या इस चलो इन टू द पेपर थोड़ा सा इमेजिन करना डिफिकल्ट हो जाता है ना. मैं सीधा सीधा हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द राइट डायरेक्शन. So ये है हमारी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द राइट डायरेक्शन. तो उसके बाद तुम इमेजिन करो एक यहां से चार्ज्ड पार्टिकल आया क्यू. ये चार्ज्ड पार्टिकल जो है दिस इज ऑल्सो ट्रेवलिंग इन द राइट डायरेक्शन, ये इस तरह से जा रहा था. आइडली होना तो क्या चाहिए था, इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, राइट right? मैग्नेटिक फील्ड अगर ना होता तो ये चार्ज्ड पार्टिकल बिल्कुल यहां से सीधा सीधा सामने की तरफ निकल जाता. लेकिन अब क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्योंकि अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स लगेगी और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज हो जाएगी. हमें बस बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि इस पे कितनी फोर्स लगेगी और इसकी ट्रेजेक्टरी में क्या चेंज आएगा. सो इफ एनीवन कैन हेल्प मी विद दिस, इस चार्ज्ड पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगेगी सबसे पहले, तो दैट्स अ क्वेश्चन, प्लीज कैलकुलेट. इस चार्ज्ड पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगेगी, क्यू वी बी व्हाट व्हाट कुछ कुछ करके.
So how do we calculate force on a charged particle which is moving in a magnetic field? Force is Q times V cross B, है ना? अब भी अगर आंसर आ गया तो बोल देना. सो इसको अगर हम खोल के देखेंगे, दिस विल बी Q इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज इन द राइट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज ऑल्सो इन द राइट डायरेक्शन. सो वट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड? दिस इज जीरो. And sine of 0 degrees is equal to zero, so this should be equal to zero. So no force is acting on this charge, and ये charge हमारा सीधा सीधा निकल जाएगा in a straight line. So the trajectory of this charge will be straight line. और हम expect भी यही कर रहे थे straight line में जाए. और यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट इस चार्ज के ऊपर नहीं पड़ा क्योंकि द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वाज 0 degree एंड साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. सो तुम अपनी हेडिंग में लिखोगे हमारा फर्स्ट केस था. ओके, दिस वाज द फर्स्ट केस व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वाज पैरेलल टू वेलोसिटी. सो केस नंबर वन, when velocity is parallel to magnetic field, or you can say theta is equal to 0 degrees. So is case mein kya hoga? Force will be equal to qvb sin theta, which is equal to qvb sin theta. Sin theta ho jayega zero, force will be equal to 0 newton, and because of that the trajectory will be like a straight line. Okay, this was case number one. हमें basically तीन cases discuss करने हैं, जिसमें से case number one and case number two are very very easy. So case number two is, अब मैं दूसरे केस में क्या कर रहा हूं, let's say this charged particle is coming from the opposite direction. If the charged particle is coming from the right direction, then what will be the value of the force? Case number two is if theta is equal to 180 degree. Ab magnetic field tumhara wahi hai, same magnetic field is in the right direction. Ab tumhari velocity is leftward, that means your theta is equal to 90 degree. Now in this case force will be equal to q v b sine of 180 degrees, which is equal to QVB into sine 180 degrees equal to zero. So this is zero. That means once again, this charge will go straight. Okay, making sense, please. Give me a thumbs up. समझ में आ रहा है ना? Okay, very very easy so far. अभी तक कुछ भी complicated शुरू नहीं हुआ. जो complications हैं वो अब start होंगी. So the complicated part of this is case number three, where theta is equal to 90 degree. That means magnetic field is perpendicular to velocity. So case number three is theta is equal to 90 degrees, or you can say magnetic field is perpendicular to velocity. अब ये वाला केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी. मेनली जो प्रॉब्लम आती है ना वो इसी वाले में आती है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी एक डायग्राम बनाते हैं. सो सबसे पहले तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं. Okay, let me try to use my okay, so copy paste.
ओके, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनको हम इकट्ठे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। Okay, so let's say this is the value of the magnetic field. Oh my God. The question clear nahi hai, bahut dar. Okay, aap dikh rahe hain? Yes, sir. Okay, sorry. Wo upar na iske kuch aur question aa gaya tha. Okay, so this is the value of the magnetic field. तो यहां पे अगर मैं बनाऊं मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनटू द पेपर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड से एक चार्ज्ड पार्टिकल है, पॉजिटिव क्यू एक चार्ज्ड पार्टिकल था, वो लेफ्ट हैंड साइड से एंटर कर गया इसने इस तरह से। सो जब ये चार्ज्ड पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड से इस तरीके से एंटर कर गया इसमें, तो उसपे कौन सी फोर्स लगेगी? सबसे पहले तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उस पर, विच इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। उसकी डायरेक्शन भी हम निकाल लेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, एंड वी नीड टू कैलकुलेट के ये जो चार्ज्ड पार्टिकल यहां से एंटर किया है, उस चार्ज्ड पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। एंड टू जस्ट गिव यू अ सरप्राइज कि ये जो चार्ज्ड पार्टिकल यहां से हमने एंटर कराया ना, this charged particle will actually go like this and start moving around in a circle. So when theta is equal to 90 degrees, that means magnetic field is perpendicular to velocity, then the trajectory of this is a circle. Hum abhi isko thodi der mein prove karenge, but 90 degree wale case mein चार्ज का मोशन एक सर्कुलर मोशन होता है। ओके, इसका हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा वगैरह, जो भी हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा था ना, जो भी रोटेशन वाली चीजें हमको आती हैं, वो सारी चीजें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये एक सर्कुलर मोशन होता है। सो अब हमें लग रहा है कि यार ये सर्कुलर मोशन कहां से आ गया। सो सर्कुलर मोशन समझने के लिए सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड is into the paper, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज राइट, दिस इज द वेलोसिटी। अब तुम अगर एक बार फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करके देखें। सो फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके। सो यू पॉइंट योर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर दैट इज इन टू द पेपर। My middle finger is pointing right. Then my thumb will be pointing up. ठीक है? First finger सबसे पहले is into the paper. Then my middle finger is right. Motion of the charge. Then my thumb is pointing upwards. So that means सबसे पहले तो जब ये charge यहां पे flow कर रहा है, इस पे force लगेगी थोड़ी ऊपर वाली direction में। Okay, so now the force is acting in the upward direction. इसका मतलब ये थोड़ा सा ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा आगे भी जा रहा है, तो ओवरऑल जो इसको मोशन होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा टेंजेंशियल। तो ये थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा, हल्का सा आगे, और मतलब कि इसकी थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी कैसे होगी, इस तरह से v। राइट, क्योंकि ऊपर फोर्स लगनी स्टार्ट होगी, सामने की तरफ हमने इसको मारा ही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कौन सी बन गई, ऐसे थोड़ी सी स्लैंटेड। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन थोड़ी सी इस तरह से बन गई, थोड़ी सी टिल्टेड, अब फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। अब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, वेलोसिटी इज थोड़ा सा यहां पे स्लैंटेड। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर और वेलोसिटी कहां है, थोड़ा सा टिल्टेड। अब मैं हाथ को थोड़ा सा
इस तरह से घुमाऊंगा, ये होगी मेरी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सो माय थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। मतलब कि अब ये जो हमारा पार्टिकल है वो थोड़ा सा भी अंदर की तरफ आएगा, सीधा जा रहा था लेकिन थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा, यहां पहुंच जाएगा और इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से बन जाएगी। जब ये यहां पहुंच जाएगा हम दोबारा से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, इसकी वेलोसिटी विल बी, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो मतलब ऊपर जा रहा था, फोर्स अंदर थी, तो जाएगा मतलब कहां पे, इस डायरेक्शन में। जब यहां जाने लगेगा फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब कि फोर्स जो इस पे लग रही है दैट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस वन सेंट्रल पॉइंट। और तुम अगर इसको ध्यान से देखो तो ये एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है हमारा पार्टिकल। सर्कुलर मोशन में क्यों रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज चेंजिंग। जो हमारा सर्कुलर मोशन में जो हमारी चीज होती थी ना, एग्जैक्टली वही चीज हो रही है यहाँ पे। ओके, एंड टू टेल यू दिस, ये जो फोर्स लग रही है ना हमारे इस केस में, एक्चुअली दिस फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे यही वो फोर्स है जो इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखें पाथ इसका। मान लो हमारा पार्टिकल नीचे से आए यहां से, तो यहां पे जब पार्टिकल जा रहे, फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो मतलब पार्टिकल थोड़ा सा कुछ इस तरह से जाएगा। फिर जब यहां पार्टिकल जाएगा, फोर्स ऐसे लग रही है तो थोड़ा सा अंदर की तरफ घूम जाएगा। फिर जब यहां पे पार्टिकल है, फोर्स ऐसे लग रही है, थोड़ा सा यहां मूव करेगा। जब यहां पार्टिकल है, फोर्स ऐसे लग रही है तो ऐसे मूव करेगा। जब बिल्कुल टॉप पे है, फोर्स लगेगी नीचे, तो थोड़ा सा इस तरह से जाएगा। अब यहां पे है, फोर्स विल एक्ट लाइक दिस, व्हेन द पार्टिकल इज हियर फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस, और फिर वो घूम फिर के हमारा पार्टिकल वापस आ जाएगा, मतलब के गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा हमारा पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। प्लीज एक बार बता दो मुझे, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा सा फील हो गया है ना? एंड द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हियर इज कि ये जो फोर्स हमारी लग रही है ना, QVB sin theta, यहां पे sin theta will be equal to 1 because theta is equal to 90 degree. ये जो हमारी फोर्स है, this force itself is the centripetal force. तो इस फोर्स को जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, जो इस पे लग रही होगी QVB, is also the centripetal force in this case. And you know centripetal force is equal to mass into acceleration. और रोटेशन में हमने पढ़ा था, this is equal to mass into acceleration is v square by r, where r is the radius of this circle. जो ये circular motion में move करना start कर रहा है, उसका radius is, let's say, small r. So the force which is acting is mv square by r is the centripetal force, और यही वो force है जो magnetic force थी हमारी. So q v B into साइन ऑफ 90 डिग्री, उसको मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वो 1 हो जाएगा, साइन ऑफ 90. ओके, यहां पे अगर तुम देखो, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कट जाएगा और यहां से तुम्हारा आ जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल वुड बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस विल बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी इनटू मास इनटू वेलोसिटी बाय चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं तुमको कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं कि यार एक मैग्नेटिक फील्ड है 2×10⁻⁷ टेस्ला और उसकी डायरेक्शन है इनटू द पेपर, तो राइट हैंड साइड से
एक लाख प्रोटॉन्स आए, राइट हैंड साइड से 1 लाख प्रोटॉन्स आए, कितनी स्पीड पे आए, लेट्स से 10^4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 लाख प्रोटॉन्स आए, तो वो जब सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे उनके मूवमेंट का रेडियस क्या होगा, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो इसको बड़ी आसानी से, है ना। क्वेश्चन रिपीट करूं, सो द क्वेश्चन इज, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हम अपना यहीं से कॉपी कर लेते हैं, नहीं कर पाएंगे, है ना। सो एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इन टू द पेपर, मैं पूरा ही बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ये बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है ये, वैसे मेरे को छोटे छोटे सर्कल्स बनाने चाहिए, पर मान लो ये बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में यहां से कितना बोला था मैंने, 10 लाख, कितनी जीरोस होती हैं, हाँ जी, इधर से आए हमारे पास 10 लाख प्रोटॉन्स, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी 2×10^-7 टेस्ला, विच इज इन टू द पेपर, इधर से 10 लाख प्रोटॉन्स आए एट अ स्पीड ऑफ 10^4 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो प्रोटॉन्स जब इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो एक सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे, ये जिस सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे उस सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या होगा, प्लीज टेक अ मिनट एंड कैलकुलेट दिस। तुम्हारा फॉर्मूला ये होता है R इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, सो यू कैन सी रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू इंटू बी। और ये क्वेश्चन करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको पता चलेगी कि चाहे इधर से 10 लाख प्रोटॉन्स आते, चाहे 5 लाख प्रोटॉन्स आते, चाहे 2 लाख प्रोटॉन्स आते, तुम्हारे रेडियस पे शायद कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। ओके 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 एम आई ऑडिबल, please give me a thumbs up, am I audible, yeah, okay, so main is question ko solve kar raha tha, so the question is hame radius nikalna hai, ye jo bada sa hamara charge idhar se aayega left se, wo charge jab move karna start karega us charge ka radius kya hoga, and we know this radius is equal to mass into velocity by qb, so ek proton ka mass hota hai 9.1×10^-31 kg, तो 10 लाख प्रोटॉन्स का मास कितना होगा, 10 लाख × 9.1×10^-31 केजी, और किस वेलोसिटी से एंटर किया उन्होंने, 10^4 मीटर पर सेकंड, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन द चार्ज इज 1.6×10^-19 कूलम्ब, 10 लाख प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होगा, 10 लाख इनटू दिस, and the value of magnetic field is 2×10^-7। यहां से तुम सीधा सीधा चेक करोगे कि तुम्हारा 10 लाख और तुम्हारा 10 लाख आपस में कट जाएंगे, 10 लाख आपस में कट जाएंगे, पहले इसको हैंडल आउट कर लेते हैं, दिस इज 10^-31, 10^4, तो ये कट के आ जाएगा 10^-20, -27, this is 10^-19, 10^-7, which is equal to 10^-26, to matlab ki tumhara radius will be equal to 9.1/1.6×2×10^-1, matlab ki yahan pe into 10, okay, so this should give you 72.8. 72.8.
ओह गलत लग रहा है मुझे. सो दिस इज 9.1, नीचे बन जाएगा 3.2. सो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 3/10 व्हिच इज इक्वल टू 0.3 मीटर का रेडियस. ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी. हाँ राइट. सो मैंने 9.1 को 3.2 से काट दिया. 3.2 थ्री जर 9, डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है. सो दिस शुड बी इक्वल टू 2.8 समथिंग. 2.8/10 इज इक्वल टू 0.28 मीटर के आसपास मेरा आंसर आएगा. ठीक है जी. यस सर. ओके. उसके बाद एक काम करते हैं, ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया. रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी. अच्छा सबसे पहले तो एक बात बताओ यार, एम वी का ही सुना लग रहा है ना, पहले एम वी किसके इक्वल होता है? एम वी इज एक्चुअली इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, है ना? मोमेंटम के इक्वल से. हाँ जी. तो रेडियस को हम बेसिकली ये भी लिख सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू पी बाय क्यू बी. अब अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में बता दिया गया, मान लो प्रोटॉन नहीं दिया गया, कोई भी तुम्हें पार्टिकल दिया गया, उसका मोमेंटम बता दिया कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्टन मोमेंटम वाला पार्टिकल एंटर हो गया, उसका चार्ज इतना है, तो उसका रेडियस भी हम निकाल सकते हैं बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करके. और कई बार क्या होता है कि हमको मोमेंटम की जगह भी ना काइनेटिक एनर्जी दे रखी होती है. सो मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना आता है ना हमको. सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मैं चाहता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी आ जाए. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर. मतलब पहले तो हमें वी स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं. पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर. ओके. राइट हैंड साइड पे हमें खाली एम वी स्क्वायर चाहिए, तो हम बोलेंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू एम वी स्क्वायर. और हमको बेसिकली चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसको टू से डिवाइड कर देता हूं, मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं. अब ये काइनेटिक एनर्जी बन गया हाफ एम वी स्क्वायर. तो हम बेसिकली लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी. टू इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी. और यहां से हम लिख सकते हैं दैट पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी. P का एक डिफरेंट एक्सप्रेशन मेरे सामने आया, विच इज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो यू कैन से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू बी. इस तरीके से भी तुम रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो. तो मान लो अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में यह बता दिया गया कि मैग्नेटिक फील्ड की एक वैल्यू है और उसमें से कोई चार्ज किसी सर्टन काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर कर गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसका रेडियस निकालो, तो अब हम वो भी निकाल सकते हैं. मतलब कि या तो हमें उस चार्ज का मास और वेलोसिटी दे दी जाए, या फिर हमें उस चार्ज का मोमेंटम दे दिया जाए, या फिर हमें उस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए. तीनों ही केसेस में हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं मोशन का. करेक्ट. सो हम एक वैल्यू को आगे लेके चलते हैं. सो दिस इज रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी. सो रेडियस ऑफ मोशन इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी बाय क्यू टाइम्स बी, चार्ज टाइम्स बी. ये तो हो गया रेडियस. अब अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द टाइम पीरियड, ये जो घूम रहा होगा ना गोल गोल, इसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है कि सर्कमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी. टाइम पीरियड मतलब कि कितनी देर में किया, बेसिकली टू
pi r divided by velocity. हमारा नाइन्थ क्लास में एक फॉर्मूला था ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो यहां पे डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर, और किस स्पीड से जा रहा है वो, v से. तो एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन स्पीड इज इक्वल टू v. सो फ्रॉम हेयर यू कैन से टाइम इज इक्वल टू 2 पाई इनटू r की वैल्यू कितनी है, m v by q b divided by v. यहां से v और v चला गया. सो योर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m by q b. ठीक है, इस वैल्यू को तुम थोड़ा सा याद भी रख लो. दिस इज 2 पाई एम बाय क्यू बी. ओके, सो 2 पाई एम बाय क्यू बी इज द टाइम पीरियड. अब एक लास्ट चीज हम यहां पे निकालेंगे कि ये जो पार्टिकल हमारा एंटर किया है इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है. एंगुलर वेलोसिटी याद है ना, ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, नॉर्मल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया. एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितना एंगल कवर किया. तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज एंगल कवर्ड थीटा अपॉन टाइम. या फिर अगर हमें टाइम पीरियड दे रखा हो, हमें टी तो पता चल गया ना, टी हमारा कितना था 2 पाई एम बाय क्यू बी. तो मतलब टी में क्या हो रहा है, एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है, दैट मींस 2 पाई एंगल कवर किया जा रहा है. तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई एंगल इज कवर्ड इन टी टाइम एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी कितना था 2 pi m by qb. So this is 2 pi into mass into q into b. And this should give you qb by m. So angular velocity omega should be equal to qb by m. I know it's a lot of information. ठीक है, एक काम करते हैं, जो भी हमने आज की क्लास में किया सब चीज रिवाइज करते हैं, लेकिन समझ तो आ गया होगा, है ना. बहुत ही सिंपल सा था, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स इसमें ज्यादा नहीं था, लेकिन एकदम से the amount of content was a little too much, you know. तो हम एक काम करते हैं, पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं जो भी हमने आज की क्लास में किया. सो टू बिगिन विद, हमने इस क्लास की शुरुआत की by saying कि आज हम डिस्कस करेंगे एक मोशन वाले पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी क्या होगी, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस गया एक चार्ज्ड पार्टिकल, अब वो किस तरह से मूव करेगा. तो इसमें हमारे तीन केसेस निकल के आए. पहले दो केसेस बहुत ज्यादा आसान थे कि अगर ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है या फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, दैट मींस थीटा इज ईदर इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री. इस केस में तुम्हारा साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 0, दैट मींस ये जो पार्टिकल है वो सीधा सीधा निकल जाएगा स्ट्रेट लाइन में, कोई इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. दिस वाज फर्स्ट केस एंड द थर्ड केस, खत्म हो गया यहाँ पे. इंपॉर्टेंट केसेस है हमारे केस नंबर 3, दैट इज व्हेन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो व्हेन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दिस विल बी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1. सो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी. और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है, वेलोसिटी सामने है, तो सबसे पहले फोर्स ऊपर, फिर फोर्स इस डायरेक्शन में, फिर फोर्स इस तरह से, फिर फोर्स लाइक दिस, फोर्स लाइक दिस, फोर्स लाइक दिस, फोर्स 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 फोर्स. मतलब कि फोर्स इस चार्ज्ड पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन में बांध के रख लेती है. एंड दिस फोर्स इटसेल्फ इज द सेंट्रीपेटल फोर्स, दैट मींस एमवी स्क्वायर बाय आर
इज इक्वल टू क्यू वी बी, और इस पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करके हमने देखा रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस ऑफ द सर्कल इज एम वी बाय क्यू बी, करेक्ट. रेडियस ऑफ द सर्कल इज एम वी बाय क्यू बी, और एम वी को हमने कन्वर्ट करके लिख दिया पी, मतलब कि मास वेलोसिटी की टर्म्स में लिख सकते हो या फिर इसको मोमेंटम की टर्म्स में भी लिख सकते हो. और उसके बाद हमने मोमेंटम को भी आगे कन्वर्ट कर दिया काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में. ये सारी चीजें आपस में इंटरचेंजेबल थी, तो हमने तीन अलग अलग फॉर्मूलाज बना लिया. उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से एक फॉर्मूला उठाया, ये वाला आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, और इस फॉर्मूला को यूज करके वी डिराइव्ड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सर्कल. So time period of this circle will be equal to distance covered is 2 pi r in v velocity. So time kitna lagega? 2 pi r by v. Aur calculation karke hamara answer hai time is 2 pi m by qb. Agar tumse yaad nahi rakha ja raha, that's okay. Tum derive kar sakte ho isko. Theek hai, koi bhi ek cheez yaad rakh lena. Ye radius yaad rakh lo. Radius is mv by qb. ठीक है, एक बार रेडियस याद हो गया तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया तुम जल्दी से ड्राइव कर लेना. अगर टाइम पीरियड पूछा है तो तुम बोलना टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय वी. सो दिस वुड बी इक्वल टू 2 पाई इनटू आर क्या है एम वी बाय क्यू बी, और नीचे भी एक वेलोसिटी आएगा तो वी वी कट जाएगा. सो दिस इज 2 पाई एम बाय क्यू बी, करेक्ट. सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई एम बाय QB. तुम जल्दी से ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं है. सिमिलरली अगर तुमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई, सो यू कैन से एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल कवर्ड इन अ टाइम पीरियड. सो दिस इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड. तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड अगर तुम करोगे, ये 2 पाई आपस में कट जाएगा. सो दिस वुड बी इक्वल टू क्यू बी बाय एम. ओके, आज की क्लास में बस इतना ही है. दो क्वेश्चंस करेंगे हल्के हल्के से, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें. सो सबसे पहले समझ में आ गया प्लीज गिव मी अ थम्स अप, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. ये आईआईटी लेवल के नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, हमने पहली बार किया, तो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा तुमको जिसमें हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना होगा. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, the first question is, तुम्हारे पास मान लो, okay, मैं English में dictate करता हूँ, ठीक है, तुम लिख लेना इसको. Three charged particles with charge q coulomb each. Three charged particles और सबका charge कितना है q coulomb. Okay, चलो लिख ही देते हैं. मैं main pointers लिखता जाऊँगा. So we have three charged particles. सबके ऊपर चार्ज कितना है q कूलम्ब, और इनके मासेस किस तरह से हमें दिए गए हैं, m, 4m और 9m, एंड ऑल ऑफ देम दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी. So all these charges have the same kinetic energy. So what they do is, all these three particles, they enter into a magnetic field. They enter into a magnetic field. All the three charges enter into the magnetic field. Inki kinetic energy same hai. Masses hai iske m, 4m aur 9m. फिर ये तीनों सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे, एंड लेट्स से देयर रेडियसेस आर आर वन आर टू आर थ्री, ठीक है. इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. तीन मासेस थे एम वन, एम फोर, एम नाइन एम, सब पे चार्ज सेम था, सबकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम थी. किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुस गए, उसके बाद जो रेडियस बने इनके
The radii were R1, R2, and R3. Find the ratio of the radii. Find R1 is to R2 is to R3. एक बार radii पता चल गया, उसके बाद you calculate time periods. T1, T2, T3. एक बार T1, T2, T3 पता चल गया, उसके बाद तुम calculate करना Omega 1, Omega 2, Omega 3. तुम्हारे पास 2-3 मिनट है, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा. तुम जितना अपना खुद का स्पीड वर्क कर सकते हो प्लीज वो कर लो, फिर उसके बाद आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, दिस इज ओनली क्वेश्चन फॉर टुडे. मैंने तुम्हें एक ही क्वेश्चन में 3-4 questions दे दिए, बस हम यही करेंगे एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. सर, रेडियाई का रेशियो 1:4:9. ओके, सो रेशियो ऑफ द रेडियाई इज 1:4:9. ओके, ओके, आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा इसको. तो सबसे पहले तो 3 charged particles हैं, सब पे चार्ज है क्यू, उनके मासेस डिफरेंट है m4m 9m. काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करके तो रेडियस क्या आएगा. सबसे पहले तो रेडियस का फॉर्मूला तुमको आना जरूरी है. रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb. लेकिन मान लो तुमको रेडियस का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, ठीक है, तुम पेपर में हो और तुम्हें क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ गया, बस एक ही दिक्कत रहेगी कि यार रेडियस का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा. तो क्या हमको ये याद है कि जो फोर्स हमारी लगती है, दैट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, दैट मीन्स mv²/r इज इक्वल टू q×v×b. ये तो है, ठीक है ना. तो इसको 2 मीटर लगेंगे ड्राइव करने में. यहां पर तुम्हारा वेलोसिटी वेलोसिटी कट गया. रेडियस विल बी इक्वल टू mv/qb. रेडियस इज इक्वल टू mv/qb. तो यहां से अगर तुम देखोगे, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. तो मासेस किस रेशियो में है, 1:4:9. सो रेशियो ऑफ मासेस इज m1 m2 m3. मासेस की रेशियो क्या है, 1:4:9, एंड रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. इसका मतलब रेडियाई की रेशियो कितनी हो जाएगी, r1 r2 r3 की रेशियो भी कितनी हो जाएगी, 1:4:9. टाइम की भी 1:4:9. सिमिलरली टाइम जो है तुम्हारा, सो टाइम यू नो इज time is 2πr/velocity. So time is directly proportional to radius. तो अगर radius की velocity 1:4:9 है, तो t1 ratio t2 ratio t3
will also be equal to 1:4:9. Okay. और ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 की रेशियो क्या आ जाएगी? सो वी नो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T. तो मतलब इसकी जो रेशियो आएगी वो थोड़ी ऑपोजिट हो जाएगी, 1:1/4:1/9. क्या ये सही है? एकदम बिल्कुल समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, so just to any doubts, anyone? किसी को कोई कुछ बोलना है इसमें? Clear है sir. Okay. चलो जी एक बार दोबारा से देखते हैं, ठीक है? So this radius is equal to mass times velocity by qb. तो हमें masses की रेशियो तो पता है, masses are m, 4m, 9m. Q भी हमें पता है, Q सबका सेम है, Q, Q, Q. मैग्नेटिक फील्ड भी हमको पता है, दे आर एंटरिंग इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं. बट हमें ये किसने बताया कि इनकी वेलोसिटी सेम है? इनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी ना, बिकॉज इफ थ्री पार्टिकल्स विच हैव डिफरेंट मासेस, अगर कोई पार्टिकल अलग अलग मास का है एंड दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तीन पार्टिकल्स की सेम है लेकिन मासेस डिफरेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी फॉर श्योर, राइट? Because kinetic energy is half times mass into v square. तो अगर तीनों particles की kinetic energy same है, that means तीनों particles का half mv square same है, that means तीनों particles का mv square same है. इसका मतलब अगर उनके masses different हैं, तो velocities भी सबकी different होंगी, है ना? So step number understood है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है और मासेस डिफरेंट है, मतलब वेलोसिटीज भी डिफरेंट होंगी. सो स्टेप नंबर 1 इज हमें इनकी वेलोसिटीज निकालनी पड़ेंगी. दिस इज इनकरेक्ट. सो सबसे पहले तो हमें इनकी वेलोसिटीज निकालनी पड़ेंगी और फिर उसके बाद मास और वेलोसिटी दोनों को अकाउंट फॉर करके हमको इनके रेडियाई का रेशियो निकालना पड़ेगा. तो क्योंकि हमको दे रखा है इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी हमको दे रखी है, हमें वेलोसिटी नहीं दी गई, तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको काइनेटिक एनर्जी में. तो mv by qb को मैं क्या लिख सकता हूं? p/qb. मैंने मोमेंटम में कन्वर्ट कर लिया. अब मोमेंटम से मैं इसको कन्वर्ट करूंगा काइनेटिक एनर्जी में, विच इज इक्वल टू √2mk/qb. So radius is equal to √2mk/qb. So now when radius is equal to √2mk/qb, अब तुम सोच के देखो यहां radius किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये 2 पे डिपेंड कर रहा है, ये सबके लिए सेम होगा. रेडियस k पे डिपेंड कर रहा है, k भी सबके लिए सेम है. रेडियस q पे डिपेंड कर रहा है, q भी सबका सेम है, इट्स गिवन द सेम चार्ज. रेडियस मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी सबके लिए सेम है. मतलब कि अब हमारा रिलेशन निकल के आया दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ of mass. सो मासेस आर इन द रेशियो m 4m 9m. इसका मतलब रेडियाई will be in the ratio of 1:2:3. Yep. जो पहले वाला हमारा फॉर्मूला था रेडियस इज इक्वल टू mv by qb, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं. m भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, हमको दोनों की वैल्यू नहीं पता, हमको खाली m की वैल्यू पता है, m की रेशियो पता है, v की तो पता नहीं था. या तो v निकालो पहले फॉर्मूला लगा लगा के,
वो भी नहीं हमें करना, तो हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमको दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अगला वाला क्वेश्चन करें, हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, तुमको रेशियो निकालनी है टाइम पीरियड्स की। सो टाइम पीरियड की रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तब तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर हमको फॉर्मूला नहीं याद तो टाइम पीरियड का हम फॉर्मूला दो मिनट में डराइव कर लेते हैं। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2πr, दैट मींस एक पूरा चक्कर काटने में कितना डिस्टेंस लगा अपॉन कितनी वेलोसिटी से किया। सो दिस विल बी इक्वल टू 2π इनटू r कितना है, mv/qb। सो यहां पे तुम लिखोगे mv/qb इनटू v, यहां से तुम्हारा v और v कट जाएगा, देन दिस वुड बी इक्वल टू 2π इनटू मास अपॉन qb। अब तुम देखो अपना जो टाइम पीरियड है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड दो पे डिपेंड कर रहा है, ये सबके लिए सेम है। टाइम पीरियड पाई पे डिपेंड कर रहा है, ये भी सबके लिए सेम आएगा। टाइम पीरियड क्यू पे डिपेंड कर रहा है, सबका क्यू सेम है। टाइम पीरियड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, ये भी सबका सेम है। और टाइम पीरियड एम पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। और मासेस किस रेशियो में है, 1:4:9, दैट मीन्स T1, T2, T3 की रेशियो तो हमने सही निकाली थी, 1:4:9। ठीक है ना एवरीवन, सही है सब कुछ। वन लास्ट क्वेश्चन इज, आखिरी चीज जो हमको निकालनी है इसमें, दैट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटीज। तो एंगुलर वेलोसिटीज की रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, एक नए पेज पे चलते हैं। सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट ओमेगा। तो ओमेगा को सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला नहीं पता, ड्राइव कर लेते हैं। एंगल कवर्ड इज 2π इन टी टाइम पीरियड, तो दिस इज 2π डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, हम पीछे से उठा लेते हैं, टाइम पीरियड इज 2πm/qb। तो यहां पे हम लिखेंगे 2πm/qb which is equal to qb/m, मतलब कि मेरा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो qb और m पे डिपेंड कर रही है। चार्ज सबके लिए सेम था, मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम थी, इसका मतलब ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/mass, दैट मींस ओमेगा 1:ωmega2:ωmega3 विल बी इक्वल टू 1/m, मतलब के 1/1:1/4:1/9। ये क्या अजीब सी रेशियो आ गई यार, एक काम करते हैं सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 36 से, तो इसको हम बोलते हैं 36/1:36/4:36/9। तो इसको हम लिख देंगे 36:9:4 इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटीज, एंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स इज T1, T2, T3 इज 1:4:9, और रेडियाई की रेशियो वॉज 1:2:3। राइट बॉयज एंड गर्ल्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई नो दिस वॉज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, ये शायद इसलिए भी लग सकता है क्योंकि लाइक आई सेड अ न्यू चैप्टर मैग्नेटिज्म के बारे में हमने ज्यादा डिटेल में छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा 9th-10th में, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी डूइंग दिस चैप्टर, दैट इज वाई हमारी कल की क्लास के बाद, सो टुमारो इज अ फ्राइडे राइट, तो कल की क्लास के बाद सैटरडे संडे तुमको 2 दिन मिलेंगे, उसमें तुम बड़े अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करना। यस एंड देन मंडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। अगर तुम चाहते हो तो कल हम कुछ नया नहीं करेंगे, ठीक है, कल हम क्लास करेंगे लेकिन यही सब जो हमने पुरानी क्लासेस में किया ना इसी को थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसी को पूरे को रिवाइज कर लेंगे हम। अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना कल की क्लास से पहले, हम कल पूरा रिवाइज करेंगे, देन यू विल हैव सम ब्रेक, तुम अच्छे से पढ़ लेना सैटरडे संडे, तो फिर मंडे को मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, आई विल सी यू टुमारो 7:30।